पंकज जी, स्वागत है आपका रियलिटी मीडिया में। आप नोएडा से विधायक चुने गए हैं और दिल्ली एनसीआर में रियल स्टेट में जितनी समस्याएं हैं उसमें सबसे ज्यादा समस्याएं नोएडा में हैं, तो इस चीज पे आपकी किस तरीके से शिकायतें आती हैं रियल स्टेट से रिलेटेड, और उसका आप कैसे आप इसका वो दे देंगे? नहीं, बहुत सारी शिकायतें आती हैं। कई बार मेमोरेंडम लेकर लोग, और कई बार अपने मेल्स के माध्यम से भी बहुत सारी शिकायतें आती हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अब इस सरकार में इन समस्याओं का समाधान होगा, लोगों को न्याय मिलेगा, बायर्स को न्याय मिलेगा, ये मैं कह सकता हूं बहुत विश्वास के साथ। पंकज जी, आम्रपाली जो बिल्डर है, इससे सबसे ज्यादा समस्याएं रियलिटी मीडिया फोरम पे दर्ज हुई हैं, उसका किस तरीके से सॉल्यूशन हम लोग? देखिए, अभी तो अथॉरिटी ने बातचीत करना प्रारंभ किया है, बायर्स के साथ भी मीटिंग करी है, और जो भी बड़े ये बिल्डर्स हैं उनसे भी उनका शेड्यूल एक मांगा है, प्लान मांगा है कि आप कैसे बायर्स को उनके अपार्टमेंट्स आप देंगे, और उस पर भी जो शेड्यूल भी वो देंगे उसको भी चेक उस पर रहना चाहिए कि कोई वरना लंबा समय दे दिया और बीच में कुछ नहीं किया तो इस पर भी बायर्स की विश्वास में बैठा रह गया, तो ऐसा भी नहीं है। उस पर भी जाँच होती रहनी चाहिए कि वो जो शेड्यूल दिए हैं उस समय निर्धारित समय तक वो पूरा करके बायर्स को उनके अपार्टमेंट्स को देंगे, तो ये सब चीज़ें प्रारंभ हुई हैं। वही मैंने कहा कि और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, जब हम सब लोग बैठे कुछ बायर्स के एसोसिएशंस के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन भी उन्होंने अथॉरिटी और उनके अधिकारियों को इस पर दिया था कि बायर्स के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। रियल स्टेट में आम्रपाली के मुद्दे पे हमने देखा है, ये जनता ने भी देखा है कि आपका बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव रहा है आम्रपाली के मुद्दे पे, तो अब हमें ये विश्वास होगा कि अब लोगों को नहीं, सिर्फ एक ही पर नहीं, मैं सभी जितने भी जगह पर हैं लोग उन सबके साथ न्याय होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, सभी बायर्स के साथ जिन्होंने अपने जीवन की कमाई लगाकर दिया है उन सबके साथ न्याय होना चाहिए। पंकज जी, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि आदर्श आवास योजना, आम्रपाली आदर्श आवास योजना जिसमें 4,000 फ्लैट अभी बुक है, उन बायर्स का क्या भविष्य होगा जहाँ पे अभी तक गड्ढा भी नहीं खोदा उस जमीन पे? मैंने कहा ना, इन सब चीजों पर अभी तो बातचीत प्रारंभ हुई है, सरकार बदली है, मुख्यमंत्री जी का भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि बायर्स के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उनको इंसाफ मिलेगा और इन सब लोगों को वो करना पड़ेगा, बिल्डर्स को भी। अब ये कोई भी ऐसा नहीं है जो बचकर निकलेगा, जो कमिटमेंट सरकार से की है, बायर से की है, उनको पूरा करना होगा। जैसे बिल्डर्स हो गए जेपी, आम्रपाली, या मैं कहूँ अर्थ जैसे बिल्डर्स हो गए, तो इनमें क्या है, आम आदमियों के पैसे डूबे हैं, तो आपको नहीं लगता क्या इसमें नोएडा अथॉरिटी की बराबर की जिम्मेदार रही है? देखिए, वो तो बिल्कुल वो सरकारें थीं, अथॉरिटीज जो काम कर रही थी उनके आँखों के सामने ये सारी चीज़ें होती रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो सब लोग उसमें जिम्मेदार हैं, लेकिन आज सरकार बदलने के बाद अब काम करने के तौर तरीके में भी बदलाव आएगा, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा, अन्याय किसी के साथ भी नहीं। पंकज जी, हमने देखा है कि आपकी छवि रही है कि आप बेबाक बोलते हैं और अन्याय के खिलाफ कभी आप झुके नहीं हैं, तो अब हम मान लें कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा इस चीज के? बिल्कुल मिलेगा, रियल स्टेट में खास बिल्कुल मिलेगा, मतलब किसी भी क्षेत्र में मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर किसी के साथ, किसी जरूरतमंद के साथ, किसी गरीब के साथ अगर अन्याय किया है तो उसमें सरकार इंसाफ करेगी, ऐसे लोगों को न्याय दिलाएगी, और ऐसे लोग जिन्होंने अन्याय किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। तो आखिरी सवाल आपसे पंकज जी, कि रियलिटी मीडिया के थ्रू आप क्या संदेश देना चाहेंगे बायर्स को और बिल्डर्स को? यही मैंने जैसा पहले ही कहा कि ये विश्वास लोगों का सरकार में, सत्ता में रिस्टोर करने का काम हमारी योगी की जी की सरकार करेगी, और आप बायर्स के साथ इंसाफ होगा, ये मैं आपके रियलिटी मीडिया के माध्यम से मैं भरोसा में देना चाहता हूँ। तो पंकज जी का यह कहना है कि रियलिटी मीडिया के थ्रू वो ये मुहिम चलाएंगे जिससे बायर्स और बिल्डर्स को दोनों को तरफ से राहत मिलेगी।